हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्शद अप्पा। लेके आए एक नया वीडियो आपके लिए। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ अंडर आइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरे किचन में। तो फिलहाल मैंने क्या किया है, एक बर्तन लिया। बर्तन में मैंने पानी में नमक डाल के थोड़ा सा राइस डाला है और उसको उबाला है, और राइस पकने तक उसको उबालने का रहता है। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं राइस अभी पक गया है। अभी इसमें से पानी निकाल देते हैं अपन। कैसे काटेगा पानी से चालनी पाजी, मैं कोशिश करते हैं पानी निकालने का। धीरे 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 आपके पास चालन रहेगी तो उसी निकाल सकते हैं। इसको अभी एक डिश में लेते हैं और इसको फैलाते हैं ताकि वो सूखा सूखा हो जाए। इसको ले लेते हैं और इसको फैन के नीचे रख देंगे। मेरे पास बर्तन का भी इसीलिए मैं ऐसा तरीका यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास चालन रहेगी तो चालन में डाल के आप देख सकते हैं राइस अभी पक गया है। राइस चेक करने का एक तरीका है, इसको ऐसा मुट्ठी में लेना है और दबा के देखने का। ये दब रहा है मतलब ये पक गया है। फ्रेश भी कर सकते हैं। अब इसमें रखता हूँ मैं फैन के नीचे क्योंकि तो वो और सुट्टा सुट्टा हो जाए। तो राइस को बना के दिया अपन ने। अभी बनाते हैं पूरी चीज। इसके लिए करते हैं गैस ऑन, गैस चालू है। ओके, किया गैस चालू। इसमें डालते हैं तेल। इसमें डालते हैं ऑनियन जो पीस किया वो डालते हैं। तो करते हैं मिक्स। अभी ये ऑनियन दाल होने तक अपन उसका वेट करते हैं, तब तक उसको मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे अलग, इसमें डालेंगे टिकट, टेस्ट के अनुसार डाल दे सकते हैं। पूरा जम गया ये, देखो दिख रहा है क्या? ज्यादा ही कर दी क्या? इसको करेंगे, ये लाल हो गया है। इसमें डालेंगे अभी टोमेटो पीस किया हुआ सब। इसको भी अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। इसमें फोड़ते हैं अंडा। अंडा शायद गिर गया।
इसमें फोड़ते दूसरा अंडा, ये अच्छा फूट गया। पहला वाला थोड़ा बकवास फूटा, इसको करेंगे तुरंत मिक्स अच्छे तरीके से। कुछ तो गलत हुआ है, पता नहीं होना चाहिए। इसमें डालेंगे और तेल, बीच में लेते थोड़ा सा तेल, बीच में डालते हैं अपना बना हुआ राइस। और इसमें डालते हैं अपना बना हुआ भुजी, रखते हैं ढक्कन और इसको रखते हैं 5 मिनट पकने के लिए। तो 5 मिनट हो गया है, सही तो है। इसको बंद, देख सकते हैं आप कैसे बन गया है, ये देखिए। पूरा टेस्ट आ गया है, इसको टेस्ट भी सही है। घर पे भी ट्राई कर सकते हैं और घर पे ट्राई करके और मेरे को बताइए कैसा हो गया ये कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।